नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई शख्स फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला हो और वो अपनी आखिरी इच्छा बताए, और आखिरी इच्छा ऐसी कि लोग सोच में पड़ जाएं, सोच में भी ऐसी कि वो तय ना कर पाए कि आखिरकार ये बात मानी जाए या ना मानी जाए। क्योंकि जो आज कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो हर कदम पर न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करती है कि व्यवस्था में क्या कमी कहां पर है और आखिरकार कैसे एक पल में आपकी किस्मत बनती है, एक पल में किस्मत बिगड़ जाती है। उस कहानी को पूरी तरह से सुनाएं, उससे पहले आप समझिए एक शख्स जिसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना था। सब कुछ तय हो चुका था, तारीख तय हो चुकी थी, दिन तय हो चुका था, जगह तय हो चुकी थी और वो बस अपने चंद दिनों की उस इंतज़ार की घड़ियों को गिन रहा था जिसके बाद उसे फांसी पर चढ़ाया जाना था। लेकिन इस शख्स ने आखिर में एक ऐसी इच्छा बताई जो कोई आखिरी इच्छा कही जाती है। कई बार कैदियों से उनसे पूछा जाता है कि मरने से पहले आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो आखिरी इच्छा उसने ऐसी बताई जिसको सुन करके जेलर, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, यहाँ तक कि जिस जज के पास उसकी इच्छा गई वो भी हैरान हो गया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहाँ पर एक शख्स को एक हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई और तमाम अदालतों से, जांच से, पुलिस के पास से होता हुआ मामला जब पहुंचा आखिरी मुकाम पर, तो तय यह किया गया कि जिसने जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उसकी एवज में इसको फांसी की सजा दी जाएगी। जज ने तारीख तय कर दी, दिन तय कर दिया, जगह तय कर दी और यह तय कर दिया कि इस दिन इस अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन रिवायत ये भी है कि जब किसी अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो इस शख्स से भी पूछी गई इच्छा, इस शख्स का नाम था सुबोध। सुबोध से पूछा गया कि आखिरकार उसकी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा, हो सकता है ये आपके लिए मानना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी अगर आखिरी इच्छा है तो मैं वही कहूँगा जो मेरी मन में चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं एक रात इसी जेल के भीतर अपनी पत्नी के साथ गुजारूँ। अजीबोगरीब इच्छा थी, डर भी था, चिंता भी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये हैरान करने वाली इच्छा थी कि आखिरकार जो आदमी फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा है उसकी ये इच्छा कैसे हो सकती है कि एक रात वो अपनी पत्नी के साथ रात बिताए, यानी साथ में सोए और उसके बाद फांसी के फंदे पर चढ़ जाए। लेकिन कानून कानून है और कानून में इस बात की इजाज़त है कि अगर मानी जा सकने वाली कोई इच्छा है जो कि कानून की नज़र में गुनाह ना हो तो वो इच्छा मान लेनी चाहिए। सो जब पता चला जेलर को इस बारे में तो उसने इत्तला की एडमिनिस्ट्रेशन को, कोर्ट को, जज को, अदालत को, और अदालत ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। अब समस्या थी जेलर के सामने कि आखिरकार इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि उसको इस बात की चिंता थी कि एक ऐसा कैदी जो कि फांसी की सजा पाने वाला है एक लड़की की हत्या के जुर्म में, वो अपनी पत्नी के साथ रात गुजारेगा, कहीं कोई खतरा तो नहीं, कहीं कोई उसके मन में साजिश तो नहीं चल रही, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से उसको ऐसा मौका मिल जाए कि वो अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचा दे, खुद को नुकसान पहुंचा दे या फिर भागने की फिराक में हो। बहुत सारे सवाल थे दिमाग में, लेकिन अदालत ने इजाज़त दे दी थी तो उसने फिर सोचा कि इस शख्स को इस बात का मौका मिलना चाहिए। उसकी पत्नी को इत्तला की गई, बताया गया कि आपके पति की ये अंतिम इच्छा है और वो चाहते हैं कि रात में आप उनके साथ रुकें एक रात मरने से पहले। बहुत इमोशनल और बहुत भावनात्मक बात थी उस पत्नी के लिए भी, लेकिन अपराधी था भले ही लेकिन उसका पति था और वो आखिरी इच्छा थी। उसको पता था कि यही एक शायद मौका है जब वो अपने पति से आखिरी बार मिल पाएगी, बात कर पाएगी, पूछ पाएगी कि आखिरकार उसने इस जघन्य हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। उसने हामी भर दी। आगे की कहानी आपको सुनाए उससे पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। इस शख्स को जिस जुर्म में ये सजा मिली थी वो थी एक लड़की की हत्या की। सुबोध नाम के इस शख्स को एक वंदना नाम की लड़की की हत्या के जुर्म में सजा मिली थी, क्योंकि उसको बहुत बुरी तरह से गला दबाकर मारा गया था। उससे पहले उसके साथ ज़ाती की गई थी, सेक्स किया गया था और तमाम ऐसी हरकतें की गई थी जो कि किसी को भी घिनौने अपराध के कैटेगरी में ला दी थी, और इसी के चलते कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कई सालों महीनों तक ये मुकदमा चला। उसके बाद जब तमाम सबूत, तमाम गवाह, पुलिस की जो तमाम डायरी थी केस की, उस सब के आधार पर यह तय हुआ कि इसको इस जघन्य हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी जाए, और इसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसी के लिए उसको जेल में रखा गया था। अब वो आखिरी घड़ी आ चुकी थी और उस आखिरी घड़ी में उसने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता है।
तय समय पर तय दिन पत्नी पहुंच गई और उसको उस बैरक में ले जाया गया जहां पर ये शख्स सुबोध मौजूद था। लेकिन जज के मन में भी ये सवाल था, उसने ताकीद किया था एडमिनिस्ट्रेशन को और जो है उसने भी इस बात की तस्दीक की थी कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही या कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तय समय पर वो महिला वहाँ पहुँच जाती है जेल में और जेलर उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुमको किसी तरह का डर तो नहीं लग रहा है। वो दरअसल समझना चाहता था कहीं ऐसा तो नहीं ये अपराधी है ये अपनी पत्नी को ही कोई नुकसान पहुंचा दे या कोई साजिश करके यहाँ से फरार हो जाए या कोई और मुश्किल आ जाए। जेलर होने के नाते उसके सामने ये सब भी मुश्किल थी। पत्नी इस बात से आश्वस्त होते कहती है कि देखिए मेरे पति ऐसे नहीं थे, अब जो हुआ है सो हुआ है, उसके लिए सज़ा मिल रही है, लेकिन मुझे आखिरी मौका मिल रहा है इसलिए मैं वहाँ पर रुकूंगी और वहाँ रहूँगी और कोई बात होगी तो बताऊँगा। ये सब बात कह करके वो जेल के अंदर पहुँच गई। जेलर को फिर भी इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो अपराधी कोई हरकत कर दे, तो उसने तय किया कि जेल के उस कमरे के भीतर एक कैमरा लगाया जाएगा और उस कैमरे में हर कुछ रिकॉर्ड होगा। लेकिन चूंकि एक पति पत्नी के बीच की प्राइवेसी की भी बात थी और कानूनन ये अलाउड भी नहीं है और ये एथिकली नैतिक रूप से भी नहीं अलाउड, तो उसने एक काम किया कि उसमें जो कैमरा लगाया उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसकी मॉनिटरिंग भी बाहर से हो ताकि ये पता चलता रहे कि आखिरकार हुआ क्या अंदर और क्या बातें हुई, ताकि कोई खतरा हो तो उसको रोका जा सके। सब कुछ तय हो गया। रात के करीब 10 बजे के आसपास वो महिला अपने पति की बैरक में पहुंचती है। कैमरा ऑन था, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था और सब कुछ सामान्य था। थोड़ी देर बैठने के बाद पत्नी पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, एक लड़की की जान क्यों ली, इतना जघन्य अपराध क्यों किया जिसका नतीजा आज ऐसा है कि मैं यहाँ जेल में तुमसे मिलने आई हूँ आखिरी बार और अब तुम्हारी जान चली जाएगी, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। थोड़ी देर तक सुबोध शांत रहा लेकिन फिर वो फूट फूट करके रोने लगा। उन लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो बहुत इमोशनल भावनात्मक थी, जिसमें वो पूरी कहानी बताता है, कहता है कि मैंने किस तरीके से इसको संघर्ष करने की कोशिश की लेकिन नहीं कामयाब हुआ, तो अब मुझे उस अंजाम तक पहुँचना है जो कानून ने तय कर दिया है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, उसने तमाम चीज़ें भी बताई कहाँ प्रॉपर्टी है कहाँ पैसे हैं, वो तमाम चीज़ें जो शायद आखिरी वक्त में उसने बतानी ज़रूरी समझी। उसके बावजूद जो महिला थी जो पत्नी थी उसने कहा कि फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने हत्या क्यों की। तो उस महिला को जो जवाब सुबोध ने दिया वो बहुत हैरान करने वाला था। हैरान करने वाला यूँ, उसने फूट फूट कर जब रोना शुरू किया तो बताना शुरू किया कि दरअसल जिस जुर्म जिस अपराध के आरोप में मैं यहाँ पर बंद हूँ इतने दिनों से और अब मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूँ, वो अपराध मैंने किया ही नहीं। ये हैरान करने वाली बात थी। आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त में पहले तो पत्नी को ये लगा कि हो सकता है इसने भावनाओं में ऐसा झूठ बोला हो सकता है अपने आप को पाक साफ बताने के लिए बोल रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने फूट फूट करके रो रो करके चिल्ला चिल्ला के समझा समझा के बार बार बताना शुरू किया कि तुम मेरा यकीन करो, तब उस महिला ने कहा कि मुझे शुरू से लेकर आखिर तक कहानी सुनाओ पूरी कि हुआ क्या था, तब मैं समझने की कोशिश करूंगी आखिरकार क्यों हुआ। उसने बताया कि शादी के बाद तुम घर में रहती थी और मैं यहाँ पर काम करने के लिए रहता था, अलीगढ़ शहर में किसी कंपनी में काम करता था और तुम्हें याद होगा कि मेरा प्रमोद एक बचपन का दोस्त था, वो और मैं साथ में काम करते थे। प्रमोद सुबोध का दोस्त था बचपन से और वो साथ ही पले बढ़े पढ़े और उसके बाद हर काम साथ करते थे, बहुत गहरे दोस्त थे, दोनों के बीच में दोस्ती गहरी थी, तो उन लोगों ने एक ही कंपनी में नौकरी करने का फैसला किया। चूँकि पत्नी रहती थी दूर मतलब शहर से बाहर और ये शहर में यहाँ नौकरी करते थे तो कई बार उसका रुकना भी यहीं हो जाता था शहर में, तो इसलिए अलीगढ़ में एक जगह पर उन लोगों ने कमरा भी ले रखा था जिस कमरे में प्रमोद और सुबोध साथ में ही रहते थे, क्योंकि दोस्त थे अकेले रहते थे और इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था, तो दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। अब जिस कंपनी में सुबोध काम करता था, सुबोध ने बताया कि उस कंपनी में उसका धीरे 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 लोगों से संपर्क बढ़ना शुरू हुआ। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, उसका नाम था वंदना। वंदना देखने में खूबसूरत थी, बहुत से लोग उसको लाइक करते थे और उस लाइकिंग के चक्कर में इन लोगों ने भी लाइक करना शुरू कर दिया, लेकिन वंदना को इन दोनों में से किसी एक को चूज करना था। वंदना ने कुछ दिनों की दोस्ती साथ में घूमने टहलने बैठने खाने पीने के दौरान उनमें से एक को चुना, वो था सुबोध। सुबोध को उसने चुना और उसके साथ दोस्ती गहराती गई, इन लोगों के बीच में रिश्ता भी बना और रिश्ते के दौरान एक दिन प्रमोद ने एक ऐसी बात कह दी जो कि सुबोध को अच्छी नहीं लगी।
सुबोध से उसने कहा कि देखो ये तुम्हारी पत्नी तो नहीं है, दोस्त है और हम लोग यहाँ साथ रहते हैं, हम बचपन के दोस्त हैं, तुम मेरी भी इससे दोस्ती करा दो, यानी मेरे से भी इसका रिलेशनशिप रहे, ऐसा कुछ इंतजाम करो। और दुनिया जानती है कि हर चीज़ में कोई हिस्सेदारी कर सकता है, लेकिन रिश्तों में हिस्सेदारी, खासकर जो प्रेम का रिश्ता हो या ऐसा लड़का लड़की के बीच में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, उसमें हिस्सेदारी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुरुआत में उसने मजाक समझा, लेकिन जब उसको लगा कि प्रमोद उसको लेकर के गंभीर है, बार बार कह रहा है, तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया। इस बात से इन दोनों के बीच में विवाद भी शुरू होना शुरू हुआ, उसने ताने देने शुरू किए तमाम, फिर झगड़े किए, फिर बहस की, और एक तरीके से अंदर ही अंदर उसने अपने अंदर दुश्मनी पाल ली। प्रमोद और सुबोध दोनों दोस्त तो थे, लेकिन अब प्रमोद सुबोध को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उसके कहे अनुसार उसने वो काम नहीं किया था जो वो चाहता था, और इसी के चलते इन लोगों के बीच में जो विवाद और झगड़ा था वो गहराता जा रहा था। लेकिन सुबोध को इसका अंदाज़ा नहीं था कि इसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है। उधर सुबोध और वंदना के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, दूसरी तरफ प्रमोद की नज़र वंदना पर थी और इस बात की नाराज़गी भी थी कि मेरे दोस्त ने मुझे मना कर दिया, और ये गुस्सा इतना बढ़ता चला गया कि दोनों के बीच में एक दो बार हाथापाई की भी नौबत आ गई। ऑफिस के लोगों ने समझाया, संभाला, झगड़ा शांत कराया, लेकिन फिर भी जो अदावत थी, जो दुश्मनी थी, जो मन के अंदर खलिश थी, वो बनी रही। एक दिन जब सुबोध घर पर नहीं था, तो उस दिन किसी बहाने से प्रमोद ने उसको कम्युनिकेट किया वंदना को कि सुबोध ने तुमको घर पर बुलाया है, और वो वंदना जो थी वो सुबोध के घर पर पहुंची। इस बीच सुबोध घर का सामान लेने के लिए मार्केट में गया हुआ था, और प्रमोद भी उसी वक्त वहां पर पहुंच गया, यानी अब उस घर में वंदना और प्रमोद थे, सुबोध आया नहीं था। और सुबोध के आने से पहले प्रमोद चाहता था कि वो अपनी दुश्मनी, अपनी वहश, अपनी जो नाराज़गी है वो वंदना से निकाले। उसने बातचीत करनी शुरू की, शुरुआत में शांति से बात होती रही, उसके बाद तमाम जो विवाद थे उनकी चर्चा हुई, और जो उसके मन में गंदे ख्याल थे उनको पूरा करने के लिए उसने वंदना पर हमला कर दिया। वो चाहता था कि वंदना उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए, और इसी के लिए उसने ज़ाती शुरू की। जब इसका विरोध वंदना ने किया, तो उसने उसके साथ मारपीट की, और आखिरकार मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बेहोश हो गई। उस बेहोशी के आलम में प्रमोद ने उसके साथ रिश्ता बनाया, उसके साथ शारीरिक शोषण किया, और उसके बाद उसको लगा कि बेहोश है, अभी होश आ जाएगा, उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन जब बहुत देर तक होश नहीं आया, तो वो समझ गया कि उसकी मौत हो चुकी है। अब प्रमोद डर चुका था, और प्रमोद के डरने के बाद उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, कल को बात पता चलेगी और उसके बाद वो फंस जाएगा। तो उसने तमाम वो सबूत, तमाम वो चीज़ें इकट्ठा की जो कि इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आखिरकार कातिल वो नहीं बल्कि कातिल सुबोध है। उसने तमाम ऐसे सबूत वहाँ पर बनाए, चीज़ें वहाँ पर रखी, प्रमोद ने सुबोध से रिलेटेड सामान वहाँ पर रखे, कुछ हाथ से हैंडराइटिंग से लिख कर रखा वहाँ पर, ज़मीन पर कुछ ऐसे सबूत बनाए और कुछ बातें ऐसी कहीं जिससे कि ये शक जाए कि इस पूरे मामले में सुबोध असली कातिल है। और यही नहीं, ये करने के बाद उसने बाकायदा दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चला गया। बाहर जा कर के उसने पुलिस को फ़ोन किया कि सुबोध ने एक लड़की की हत्या अपने फ्लैट पर कर दी है, और पुलिस अगर जल्दी वहाँ नहीं पहुँची तो फिर वो और भी कहीं किसी को नुकसान कर सकता है। इस अननोन कॉल के आने के बाद पुलिस आनन फानन में उस फ्लैट में पहुंचती है, और ये वक्त था जब पुलिस अंदर आ रही थी, और उसी समय सुबोध भी मार्केट से आ रहा था। सुबोध जैसे ही मार्केट से लौट करके अंदर पहुंचा, देखा उसने कि घर के अंदर भीड़ है, पुलिस है। वो पहले रुका, उसको कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, वो अंदर का मंजर देख करके वो हैरान रह गया। उसके बिस्तर पर वंदना की डेड बॉडी पड़ी थी, खून निकल रहा था, अस्त व्यस्त कपड़े थे, सामान अस्त व्यस्त था, और एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें सारा आरोप जो कि था वो प्रमोद पर नहीं बल्कि सुबोध पर था, यानी सुबोध अब पूरी तरह से फंस चुका था। यूपी पुलिस का मामला था, पुलिस की कार्रवाई, अगर उनको कोई ओपन एंड शट केस मिलता है तो वो ज़्यादा जाँच नहीं करते हैं। सब कुछ सुबोध के खिलाफ था, उसके साथ रिश्ता था, फ़ोन की डिटेल थी, ऑफिस के लोग जानते थे, तमाम लोगों ने साथ आते जाते देखा था, वो पहले भी वहाँ आ चुकी थी और इस हालात में पड़ी हुई थी जिसमें किसी का भी शक सीधे सीधे सुबोध पर जाता। जो टीम जांच कर रही थी, उस टीम को सीधे सीधे यही समझ में आया कि सुबोध ने इसकी हत्या की है, और अब वो कातिल यहाँ पर पकड़ा गया है। आनंद फार्म में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, थाने ले गए, और पुलिस का जब थर्ड डिग्री टॉर्चर होता है या पूछताछ के लिए तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो
कई बार न किए हुए जुर्म को भी अपराधी कबूल लेते हैं, आरोपी कबूल लेते हैं। वही सुबोध के साथ हुआ। सुबोध ने अपनी पत्नी को यह सारा किस्सा बताया और ये बताया कैसे उसके साथ थाने में ज्यादती हुई, उसको मारा गया, पीटा गया, जबरन उसको इस बात के लिए स्वीकार कराया गया कि उसने हत्या वंदना की है, क्योंकि ऑफिस के लोग भी बहुत नाराज थे कि ऑफिस का एक एम्प्लॉय इस तरह की हरकत कर रहा है। लोगों में गुस्सा था, इलाके के लोगों में, कि यहाँ पर एक आदमी रहता है, उसने इस तरह की हरकत की है। तो सब गुस्से, तमाम दबाव, तमाम चीज़ों को और सबूतों को देख करके पुलिस ने तय कर लिया कि सुबोध ने ही कत्ल किया है। शुरुआत में वो इस बात को मना करता रहा, लेकिन जब उसको समझ में आ गया कि कुछ भी सुना जाने वाला नहीं है, अगर वो कुछ भी और बोलेगा तो उसकी बुरी तरह से पिटाई की जाएगी, तो उसने अपनी नियति समझ के, अपनी किस्मत समझ करके इस आरोप को स्वीकार कर लिया। चूंकि सबूत इतनी मजबूती से रखे गए थे और पुलिस खुद भी चाहती थी और जानती थी कि ये सबूत नहीं किया है, वो एक तरीके से कन्विंस थी, तो उसने सबूतों को भी बड़ी मजबूती से अदालत में रखा। साल दर साल, महीने दर महीने ये मामला आगे बढ़ते 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 अदालत में इस नतीजे पर पहुंचा कि इस कत्ल को सुबोध ने ही अंजाम दिया है और ऐसी ब्रूटलिटी की हद पार की है कि जिसको देख करके किसी को भी घिन आ जाए, किसी को भी नफरत आ जाए, किसी को भी गुस्सा आ जाए। लिहाजा अदालत ने भी सख्ती से फैसला देते हुए कहा कि सुबोध को फांसी की सजा दी जाए। और वही वक्त आ चुका था जिस वक्त में फांसी दी जानी थी और उससे पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी। ये सारी बातें उसने जब पत्नी को बताई तो पत्नी को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से उसने बताई, कन्विंस करने के तरीके से या रो करके या भावनाओं में ला करके जिस तरह से बताया, उसने बहुत सारी और भी भावनात्मक बातें की कि पत्नी को तो यकीन आ ही गया, लेकिन दूसरी तरफ शक के बादल दिमाग में आ गए उस जो जेल का जेलर था, जो इस सारी आवाज़ सुन रहा था, उसके साथ स्टाफ के और भी लोग सुन रहे थे रिकॉर्डिंग। उन लोगों ने सोचा कि हो ना हो इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को लिया, अगले दिन सुबह अदालत में गए और बताया अदालत में कि ऐसी ऐसी बात सामने आई है, रिकॉर्डिंग में ऐसी चीज़ें आई हैं, लगता है कि कोई बेकसूर इस बार फंस रहा है। अदालत के सामने मामला जाते ही जज ने तय किया कि अगर ऐसा है तो उसकी छानबीन की जाए, जाँच की जाए और तब तक के लिए फांसी टाल दी जाए। हुआ ये कि इसके बाद पुलिस ने फिर से टीम बनाई और जाँच करनी शुरू की। जैसी जैसी कहानी बताई थी, हूबहू वैसी ही कहानी निकली। जो प्रमोद अभी भी उसी दफ्तर में काम करता था और उससे रिलेटेड जितनी बातें बताई थी वो सारी सब मेल खा रही थी। तमाम सबूतों की भी बात की थी जिसके बारे में सुबोध ने बताया था कि वहाँ से मिले हुए सबूत प्रमोद की तरफ इशारा करते थे, लेकिन पुलिस ने नज़रअंदाज किया। ये सारी चीज़ें जब पुलिस को नए सिरे से मिली तो उन्होंने इस पूरी जाँच को और गहराई से करना शुरू किया और प्रमोद से पूछताछ शुरू कर दी। प्रमोद शुरुआत में सब चीज़ को डिनाई करता रहा और उसने बताया कि ये सब बातें हैं, कोई इसमें सबूत नहीं है, लेकिन कई सबूत ऐसे मिल गए जिसमें साफ पता चलता था कि प्रमोद ने इस घटना को अंजाम दिया है। फॉरेंसिक सबूत थे वहाँ पर, स्टेन्स ऐसे मिले थे, उसके नाखूनों में कुछ ऐसा मिला था, जो विसरा की रिपोर्ट थी उस विसरा की रिपोर्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी आई थी जो प्रमोद की तरफ इशारा करती थी। कुछ वहाँ पार्टिकल ऐसे मिले जिससे पता चला कि उस वक्त प्रमोद की वहाँ पर मौजूदगी थी। और सबसे बड़ी चीज़, मोबाइल की लोकेशन भी उस पूरी घटना के दौरान उसी जगह पर प्रमोद की भी थी। अब प्रमोद पर सख्ती जब की गई तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसी ने कत्ल किया था। और उसने पूरी कहानी को बताया कि इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि वंदना न तो उसकी पत्नी थी, न सुबोध की पत्नी थी, एक अलग रिश्ते में थे ये लोग और वो चाहता था, उसकी भी नज़र थी वंदना पर, और जब उसके लिए तैयार नहीं हुआ तो उसको बहुत नफरत हुई, उसको अपमानित महसूस हुआ और उसने उस अपमान का बदला लेने के लिए ये कदम उठाया। हालांकि उसने ये भी बताया कि वो हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन विरोध और मारपीट और छीना झपटी में ऐसा हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। बहरहाल अब मामला खुल चुका था और हैरान सारे लोग थे कि आखिरकार जब प्रमोद ने कत्ल किया था तो एक बेकसूर उसको हत्या के जुर्म में फांसी क्यों दी जा रही है। फिर से पुलिस और जेलर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, एक अप्लीकेशन दी कि इस पूरे मामले की फिर से जाँच की जाए। और जब जाँच हुई तो वही सच निकला कि प्रमोद ही असली कातिल था। पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार किया और फिर बारी आई उस फैसले को बदलने की जिसमें एक शख्स को फांसी की सजा दी जा चुकी थी। सारी कार्रवाई होने के बाद, कागजी कार्रवाई, जांच, रिपोर्ट और तमाम और चीज़ें होने के बाद ये तय किया गया कि इस पूरे मामले में सुबोध को बरी किया जाए और प्रमोद को सजा दी जाए। मुकदमा फिर से शुरू हुआ और मुकदमा शुरू होने के बाद उसका अंजाम कुछ और ही निकला, यानी प्रमोद उसमें आरोपी, अपराधी, जुर्म करने वाला शख्स माना गया। तो इसमें सुबोध, जिसकी किस्मत ने एक बार पलटी खाई और वो एक ऐसे जुर्म में फंस गया जिसमें उसका कोई रोल ही नहीं था। सालों साल तक उसने
जो तमाम अत्याचार थे, जो तमाम पूछताछ के दौरान होने वाली प्रताड़ना थी, वो सब सही। अपने परिवार के सामने अपमानित हुआ, अपने बच्चों और बीवी से अलग रहा, समाज में उसका अपमान हुआ, लोगों ने उसको गलत निगाहों से देखा, उसको सोचा कि ये रेपिस्ट है, ये तमाम तरीके के अपराध करता है, इसने हत्या की है। लेकिन असलियत में वो जब सामने सच सामने आया तो पता चला कि उसने वो अपराध किया ही नहीं था। अंत में अदालत ने फैसला किया कि इसको बाइज्जत बरी किया जाए और उसको जेल से बाहर निकाल दिया गया, प्रमोद को जेल भेज दिया गया। और इस पूरे मामले में एक उस घटना ने पूरा पासा पलट दिया, जिसमें एक अजीबोगरीब ख्वाहिश मरने वाले उस शख्स की, जो कि मरने से पहले चाहता था कि अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारे, जिसको सुन करके लोग पहले हैरान थे, हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, उसी एक घटना ने, उसी एक ख्वाहिश ने, उसी एक बात ने एक शख्स को फांसी के फंदे के पर चढ़ने से ऐन पहले बचा लिया। न सिर्फ बचा लिया बल्कि उसके ऊपर लगे हुए तमाम दागों को भी धो दिया। ऐसी बहुत सारी हैरान करने वाली कहानियाँ होती हैं जिसमें किरदार बड़े अजीब होते हैं, घटनाएं बड़ी हैरान करने वाली होती हैं, और ऐसी बातें भी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। इसीलिए एक कहानी ऐसी भी है, ऐसी ही कहानियों का ताना बाना, ऐसी ही कहानियों का किस्सा, ऐसी कहानियों का डिटेल हम लेकर के आपके सामने आते हैं, ताकि आप भी देखें और जानें और समझें कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है जो बेहद हैरान करने वाला है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।